चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में दंगारूढ़ विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पास कर राज्यपाल को भेज दिया गया। अब इस कानून विधेयक को कानूनी रूप से देने के बाद दंगों या प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की पूरी वसूली की जाएगी और इसके तहत दंगाइयों पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस तरह के कानून पहले से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लागू है। दंगारूढ़ विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब इस कानून के लागू होने के बाद निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से एक एक पाई वसूली जाएगी और ऐसे में इससे यहां पर कोई इस तरह की घटना करने की सोच भी नहीं सकेगा। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगारूढ़ कानून एक विधेयक के रूप में को मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए जरूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी।